सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और आप लोग जैसा मौसम देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा इस टाइम क्या हो रहा है चंडीगढ़ में। देखो चंडीगढ़ में ये देखो मौसम, ये है दोपहर का टाइम, देख सकते हो दोपहर में कितना मौसम, मतलब ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस कारण मैं वीडियो भी अब बहुत कम शूट कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दी लग रही है, घर में से निकलने का मन नहीं कर रहा जाई में से, तो इसलिए मैं वीडियो भी बहुत कम शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ बाहर, तो आज मैं वीडियो बताऊंगा अपने एग्जॉस्ट के ऊपर। एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि हाँ भाई अपने एग्जॉस्ट पे वीडियो बनाओ, तो उस पर मैं आज वीडियो बनाऊंगा और अपने एग्जॉस्ट को डिटेल में बनाऊंगा। उसका पिछली आपने फर्स्ट वीडियो मेरी देखी होगी, तो उसमें मैंने लिखा था कि मॉडिफिकेशंस KTM ड्यूक 250 मॉडिफिकेशंस, तो उसमें मैंने एग्जॉस्ट के बारे में जिक्र किया था, मगर इतना डिटेल्स में नहीं बताया था ना, जिसका डीबी कलर निकाल के आवाज़ चेक कराई थी ना ऐसे बस। बट आज मैं आप लोग उसका डीबी कलर निकाल के भी आवाज़ चेक कराऊंगा उसकी कैसी आवाज़ आती है, चलो फिर देख। एंड गाइस, ये रही मेरी ड्यूक, देख सकते हो। सो गाइस, ये है जो मेरा एग्जॉस्ट है, वो है एक्रोफोबिक का, तो ये देख सकते हो एक्रोफोबिक का। और ये देखो, ये मैंने इसका बैंड पाइप भी लगवाया था, अभी तो गर्म नहीं फिलहाल, ये इसका बैंड पाइप यहाँ से लगा था, यहाँ से मेरा वो था, एक होता नहीं है ड्यूक्स में वो, यहाँ पे साइलेंसर होता है, मतलब कम बस आवाज़ कम करने के लिए, वहाँ पे था, तो यहाँ से लगाया ये है बैंड पाइप यहाँ तक, तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट है अपना, तो यहाँ से इसका जो डीबी कलर निकलता है पीछे से, तो ये देख सकते हो बाइक। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि चंडीगढ़ में पुलिस मतलब कितनी सख्ताई है इन चीज़ों में, कि मॉडिफिकेशन बाइक में उनका एग्जॉस्ट या फिर कुछ भी, मतलब बहुत यहाँ की मतलब सख्त है, यहाँ पे तगड़े तगड़े रूल है कि ऐसे वैसे कुछ भी। तो मैंने एग्जॉस्ट इसलिए लगवाया है क्योंकि इसका जो डीबी क्लियर है वो रिमूव होता है, एक्चुअली इसका रिमूव डीबी क्लियर आवाज़ निकाल के इतनी साउंड इसकी बेस्ट आती है कि आप सुनोगे तो देखोगे, तो एक्रोफोबिक का ये है सिस्टम, इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद आया, क्योंकि चंडीगढ़ में चलाते हैं तो इसका डीबी क्लियर लगा देते हैं ताकि आवाज़ थोड़ी मतलब कम हो जाए, इससे आवाज़ हो जाती है कम, उसको निकालने से जब आवाज़ देखना सुन के क्या आवाज़ आती है। चलो फिर इसको अभी खोलते हैं, नहीं पहले आपको आवाज़ सुना देता हूँ मैं आपको, जिस डीबी क्लियर है उसकी, आपको हेडफोन लगा के इसकी आवाज़ सुनाऊँगा, और आप लोग इसकी आवाज़ सुनने के लिए ना हेडफोन लगाना, तब आपको इसकी बेस्ट क्वालिटी से आवाज़ सुनाई देगी, जो रियल जैसी आवाज़ है, हेडफोन लगा के सुनोगे तब। तो एक मिनट, तो करते हैं इसे स्टार्ट। सो गाइस, चलो मैं आपकी इसकी आवाज़ सुना के दिखाता हूँ, अगर आवाज़ मतलब हेडफोन लगा के सुनना तब आवाज़ इसकी क्वालिटी पता लगेगी। चलो स्टार्ट करते हैं बाइक को, अभी इसमें डीबी क्लियर लगा रखा है हमने, डीबी क्लियर के साथ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हेडफोन लगा के सुनना। तो गाइस जो अभी आपने आवाज़ सुनी ये डीबी क्लियर के साथ था एग्जॉस्ट की साउंड, तो बताना कैसी लगी। अब चलो इसका खोलते हैं, इसका एग्जॉस्ट का डीबी क्लियर खोलते हैं, फिर विदाउट डीबी क्लियर सुनाता हूँ मैं आपको इसकी आवाज़। चलो खोलते हैं फिर इसका एग्जॉस्ट, चलो फिर इसको खोलते हैं और निकालते हैं पहले टूल बॉक्स, टूल में से टूल निकालते हैं, एल्किन यहाँ लगी की चाबी, तो ये रहा हमारे टूल्स, तो इसमें से हमें एक की जो पड़ेगी शायद, ये शायद पक्का तो नहीं बता सकता कि यही है कि नहीं, तो ये नहीं है, दूसरी है इससे छोटी वाली, तो गाइस मिल गई है ये वाली की लगेगी इसमें, तो चलो इसे करते हैं खोलते हैं। तो ये देखो इसके नीचे है ये रहा, ये रहा होल, यहाँ पे लगेगी हमारी की, और ये है नट जो आपको दिख रहा है ये सेंटर में, ये खुलेगा, चलो लगाते हैं, ये देखो घूम रहा है,
ये देखो गाइस, ये रहा नट इसका, एंड ये देखो ये निकल गया हमारा डीबी किलर। एंड इसको रखते हैं साइड में अभी नट को, और इसको तो गाइस अब देख, तो गाइस अब देख सकते हो ये देखो बिना डीबी किलर का क्या औसम लग रहा, कितना मतलब इसका वो है जो साउंड यहाँ से आएगी, ये देखो। तो देख सकते हो कितना चौड़ा हो गया खोलने के बाद। अब चलो मैं अब इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ विदाउट डीबी किलर के साथ, तो इसकी आवाज़ देखना तो बताना। तो गाइस चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, और हेडफोन लगा के देखना प्लीज़, अगर आवाज़ जो आपको बढ़िया सुननी है तो हेडफोन में ही पता लगेगा। तो निकालते हैं, लगाते हैं चाबी। तो गाइस आवाज़ सुनना, सो गाइस आपने आवाज़ सुनी बिना डीबी किलर की, देखा कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, और स्मूथ थोड़ी आवाज़ आ रही थी, मतलब दबी दबी, ये नहीं कि फटी फटी आवाज़ आ रही है, मगर अच्छी काफ़ी आवाज़ है इस एग्जॉस्ट की। तो आपने सुन लिया इस एग्जॉस्ट का, तो बताना कमेंट में आवाज़ कैसी लगी, मगर हेडफोन लगा के जरूर देखना, तभी सुनाई देगा आपको रियल वॉइस जो है। तो अभी तो देखो मैंने सब कुछ खोल रखा है, ये रहा इसका डीबी किलर जो ये रहा, तो इसको अभी दोबारा लगाएंगे। तो गाइस अभी बाद में किसी दिन मैं भी मतलब थोड़ा टाइम मिले, मतलब थोड़ा मौसम अच्छा लगे, थोड़ा घर से लोग बाहर निकले, तो उस दिन मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा एग्जॉस्ट की ये निकाल के डीबी किलर, तो गलियों में घूमूंगा और रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा आगे में। चलो फिर देखते हैं, और 1K भी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो गाइस अभी कुछ वीडियो बनाऊंगा, मतलब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तभी वीडियो बनाऊंगा, अभी कुछ खास तो अभी वीडियो आ नहीं रही है। तो बाकी ये थी, चलो अब इसको वापस लगाते हैं। ये देखो ऐसे टाइट कर देना है, ये देख सकते हो ये नट जो है अंदर जा रहा है और टाइट हो रहा है। ओ सॉरी, इसको अच्छे से थोड़ा टाइट कर दो ताकि नट खुले ना, गिरे ना। तो हो गया ये टाइट, ये देख सकते हो। तो गाइस फाइनली मैं इसका प्राइस बताता हूँ, ये मैंने अपने चंडीगढ़ में लगवाया था, तो मेरे को इसका कॉस्ट, इसका जो पाइप का कॉस्ट था 2500 जो ही था, और इसका भी 2500, मतलब टोटल दोनों 5000 का पड़ा, और इसमें लेबर लोबर लगा के मतलब 6000-6500 का पड़ गया ये टोटल एग्जॉस्ट पूरा सिस्टम। तो ये था इसका प्राइस, और मैंने ये 21 में सेक्टर 21 में लगवाया था चंडीगढ़ में ही वर्मा मोटर से, तो वहाँ से मिल जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को लगवाना तो लगवा सकते हो, मगर लगवाओ चंडीगढ़ के लिए है, मतलब कम वॉइस भी इसमें, ये मेरे को अच्छा लगा कि इस वे डीबी किलर मिलता है, हम लोग इसकी वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसका साउंड कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं डीबी किलर लगा के, और निकाल के मतलब बढ़ा सकते हैं। तो मतलब जैसे कि कई लोग होते हैं कि वो बाकी जो एग्जॉस्ट में है उसमें ऑप्शन नहीं होता है, उसमें एक बार लगा ले तो लगा लेना, उसे हम कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो इसमें मेरे को डीबी किलर वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगा है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो अपना।